5 जुलाई को जो मेरा जन्मदिन था उस उपलक्ष्य में इनकी वाटिका में मैंने कार्यक्रम किया था मंडल के अंदर। उससे बौखलाहट करके कुछ राजनेता जबरदस्ती प्रशासन से दबाव बना के इनको नोटिस दिया गया तहसीलदार जी के थ्रू, आप 3 दिन में इसका जवाब दें। मतलब अधिकारी नहीं तहसीलदार जी को नोटिस देने का, वो पंचायत की प्रॉपर्टी, वो पंचायत सचिव, पंचायत सरपंच ही उसको नोटिस दे सकता है। तो जबरदस्ती हमारे को तानाशाही पूर्वक दबाया जा रहा है। ये राम राय जी की दुकान है, बालूलाल आचार्य मंडल अध्यक्ष सोहाणा का, पूर्व मंडल अध्यक्ष, उसी ने नोटिस दिया, उसी के मोबाइल नंबर लिखे हुए, वो बोलते हैं कि हमारे को जानकारी में नहीं। उसका आप पता करो, जो सीएमएचओ साहब को रिपोर्ट दी उसके अंदर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है शिकायतकर्ता का, वो किसका है? वो बालूलाल आचार्य का पूर्व नंबर है, आप मोबाइल पर सर्च करो तो ट्रू कॉलर उसी का नाम आएगा। वो अपने लोगों से ही ये कार्रवाई करा रहे हैं, मेडिकल की दुकान बंद करा रहे हैं, वाटिकाएं बंद करा रहे हैं, दुकानें बंद करा रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं हम उसको सहन करते आ रहे हैं, बहुत सारा समय हो गया। लेकिन अब ये तानाशाही और ये जो हमारे साथ और जाति नहीं चलेगी, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये तो आपको बताना किसकी सेवा हो रही, मुख्य सचेतक साहब की, मुख्य सचेतक जी की वजह से हो रही है, क्योंकि मैं मांग कर रहा हूँ मंडल से टिकट का, तो उनको वो तकलीफ हो रही, बाकी कोई तकलीफ ही नहीं है। उदयलाल भंडारा जी और उनके समर्थकों ने जो कलेक्टर भीलवाड़ा को ज्ञापन दिया उसमें मेरे खिलाफ भी नारे लगाए, और इन्होंने मेरे पर आरोप भी लगाया कि सेन वाटिका का नोटिस मैंने दिलवाया, दारू की बोतलें कमलेश गुड्डा के वहाँ अवैध दुकान से मैंने पकड़वाई, और बागौर में भी है ना जो कोई मेडिकल के खिलाफ मैंने कोई कार्रवाई कराई। ये सारी बातें झूठी है, केवल मेरी छवि खराब करने के लिए कही जा रही है। उदयलाल जी भंडारा को टिकट मांगना तो वो ज़रूर मांगे, पार्टी से मिले हुए, अगर उनको टिकट मिलेगा तो हम उनको काम करके उनको जिताने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस तरह की अच्छी राजनीति कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। नहीं तो मुझे किसी एक भी घटना की मालूम नहीं, जब इनके व्हाट्सएप पे इन्होंने खुद ने जब डाला कि हमारे ना जो इस तरह से दारू की बोतलें पकड़ी, अब कोई अवैध शराब बेचेगा और अधिकारी या थानेदार पकड़ता है तो उसमें मेरा क्या दोष है।